अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं पहचान, अ कॉन्वर्सेशन विद मी सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फील्ड में, अपने करियर्स में एक आला मुकाम हासिल किया है, बल्कि साथ ही साथ वो इंस्पिरेशन है तमाम देखने वालों के लिए। ना सिर्फ अपनी कंपनी में लोगों को इंस्पायर करते हैं, मगर मुझे यकीन है कि बहुत सारे बिजनेस स्टूडेंट्स जब ये प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो आपकी फ़ीडबैक हमारे पास यही आती है कि इट इज़ डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आजकल जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, there are tons of things that we need to worry about। कभी हमें बिजली की लोड शेडिंग का गम लग जाता है, कभी CNG की बढ़ती हुई प्राइस बुरी लगती है, लेकिन कुछ लोग हमारे ही दरमियान ऐसे भी हैं जो अपने ड्रीम्स को, अपने नस्बुल ऐन को लेके बहुत सीरियस हैं एंड दे डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाई दीज सिचुएशंस और दीज सर्कमस्टांसेस। हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं एंड वी ट्राई टू गो बियॉन्ड देयर टाइटल्स। दे मे बी द प्रेजिडेंट्स, द CEOs और द मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन पर्सनैलिटीज से, उनकी पसंद नापसंद, उनके जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं और कभी कभार जब उन्हें नाकामी का या फेलियर का सामना करना पड़ता है वो कैसे बाउंस बैक करते हैं, दैट इज़ द ट्रू लर्निंग। आज भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही हस्ती से। ही इज़ डेफिनेटली समवन दैट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट, क्योंकि स्पेशली हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हेल्थ केयर, फार्मा एंड डायग्नोस्टिक्स, दीज आर स्टिल एरियाज़ जो बहुत सारी मिथ से घिरे हुए हैं। अभी भी हर पाकिस्तानी के पास सिमिलर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं और ये एक कंपनी है जो डेफिनेटली इस तरफ कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यंग लोगों तक और पाकिस्तान की आवाम तक पहुँच सके। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं विद द कंट्री मैनेजर, डायग्नोस्टिक्स डिवीजन ऑफ रोश पाकिस्तान लिमिटेड। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बीर हलाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर टू योर ऑफिस। बल्कि हम इस वक्त जितने भी हमारे देखने वाले हैं आपकी कोबास टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशंस भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले बिकॉज ये डायग्नोस्टिक्स डिवीजन की एक इनिशिएटिव है, मुझे इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्रा, थैंक यू वेरी मच कि आपने डायग्नोस्टिक्स पे शो किया है। मैंने आपके कई दूसरे शोज भी देखे हैं एंड यू हैव कवर्ड वेरियस सेक्टर्स इन द हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड, और ये डायग्नोस्टिक्स फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो फार्मा को ऑगमेंट करती है एंड दे गो टुगेदर लाइक अ ग्लव टू अ हैंड। तो मैं इसके हवाले से आपको ये बताऊंगा कि रोश एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर जिसके दो डिविजन्स हैं। एक फार्मास्यूटिकल डिवीज़न है जो नाम से ज़ाहिर है बेसिकली दवाओं के साथ डील करता है, और एक है डायग्नोस्टिक्स डिवीज़न जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में नंबर वन है बल्कि पूरी दुनिया में ये बिज़नेस लीडर है डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर। शब्बीर साहब, यहाँ बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक्स की, तो ज़रूर पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी डर लगता है टेस्ट करवाने से और उनका ख्याल ये होता है कि जितना बड़ा अस्पताल है या जितना बड़ा डॉक्टर है, जैसे ही आप कदम रखेंगे उनके ऑफिस में और वो कहेंगे कि जी बीमारी की तशखीस के लिए पहले ये 4, 5, 7 महंगे महंगे टेस्ट करा के लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग है वो आपके खर्च को बढ़ाती नहीं है, वो आपके खर्च को कम करती है। वो किस तरह कम करती है? वो इस तरह कम करती है कि अगर आप एक एवरेज हॉस्पिटल का बिल देखें तो उसके अंदर जो डायग्नोस्टिक्स या लेबॉरेटरी मेडिसिन का जो बिल के अंदर पोर्शन होता है दैट इज़ ओनली 2%। हावेवर जो 90% ऑफ द डिसीशंस जो होते हैं वो इस टेस्टिंग के ऊपर बेस कर रहे होते सही। हैं। तो अगर आपकी रिलायबल क्वालिटी टेस्टिंग है, अगर एक्यूरेट टेस्टिंग है, यू माइट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल विदाउट इवन बीइंग यू नो गेटिंग इनटू द हॉस्पिटल। सही। तो अगर ये टेस्ट टाइमली हो जाएं और बीमारी को हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है, ना कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो शब्बीर साहब, क्या आपको लगता है कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इट इज़ द सेम लर्निंग? क्योंकि जैसे आपने कुछ बीमारियों की बात की, बिल्कुल सही है कि उसकी अर्ली अगर डिटेक्शन हो जाए तो बहुत सारा हो सकता है, आपका ट्रीटमेंट आसान हो जाए, आपकी जान बच जाए, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था
डायग्नोस्टिक्स इज़ अ वेरी वेरी लार्ज फील्ड. एक्सरेज कराने के बारे में, रेडिएशन के हवाले से लोग परेशान रहते हैं और कहा जाता है कि एक एक्सरे अगर आप कराएं तो उसमें जितनी रेडिएशन ह्यूमन बॉडी ले लेती है उससे आपका ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है. आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये एक मिथ है. अच्छा. और जब भी कोई भी एक्सरे की डोजेज होती हैं ये डॉक्टर को या जो टेक्नीशियंस हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको कम्प्लीटली पता होती है. और ये मेरे ख़्याल है दुनिया में कहीं ये प्रैक्टिस नहीं होती है कि गैर ज़रूरी लोगों को रेडिएट भी किया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अपने अगर प्रोडक्ट के हवाले से बताऊं, हमारे पास एक टेस्ट है इमरजेंसी रूम का. इमरजेंसी रूम का आपको पता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यू नो उसके इक्विपमेंट्स, उसकी दवाएँ, जो डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं. लोगों को नज़ला हो रहा होता है या जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. जब इमरजेंसी रूम में आता है वो सिर्फ एक ही तकलीफ कहता है, जी मुझे सांस नहीं आ रही और मेरे सीने में दर्द है. अब डॉक्टर के लिए वैसे तो माशाल्लाह ट्रेन डॉक्टर्स काफ़ी हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत दफ़ा ये पता नहीं चलता कि क्या इसको दिल की बीमारी है, ये कार्डियक फेलियर में जा रहा है या इसको कोई पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है. अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप रोश के टेस्ट से 9 मिनट के अंदर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेशेंट कार्डियक की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है. सही. अगर कार्डियक फेलियर में जा रहा है तो आप उसको दाखिल कर लेते हैं, वरना आप उसको छोटी मोटी दवाई देकर वहीं आप उसको फारिग कर देते हैं. तो लिहाजा प्रूफ ये होता है कि अगर क्वालिटी टेस्टिंग, रिलायबल टेस्टिंग हो तो एक्चुअली यू कैन सेव दैट 98% ऑफ द कॉस्ट जिसका जिक्र मैंने आपसे. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो वी कीप कमिंग बैक टू इट, लेकिन वैसे तो कहा जाता है कि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती. पर शबीर साहब, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि रोश के तवसुत से और जितनी क्वालिटी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उसकी वजह से एटलीस्ट लोगों को ये तो पता चला है कि कुछ चीज़ें जिसके बारे में हम पर्टिकुलर हो गए, कि अब अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो यू मेक श्योर कि वो जो सिरिंज आपके लिए इस्तेमाल की जा रही है वो नई है और आपके सामने खुले. साथ ही साथ हमारी ही जिम्मेदारी में आता है कि जब हमारा टेस्ट हो जाए तो हम अपने सामने उस सिरिंज को डिस्ट्रॉय भी कराएं. लेकिन क्या और भी कोई टिप्स हैं जो आप समझते हैं कि लोगों को अपने जहन में रखने चाहिए? बिल्कुल रखने चाहिए. ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई है और आई हैव आल्सो नोटिस कि ये लोग आवाम में काफ़ी अवेयरनेस आई है. मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी कि जिस तरह रोश जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करती हैं, ये पेशेंट का हक होता है मालूम करना कि जो टेस्ट, जो रिएजेंट किट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसको इस्तेमाल किए जाएंगे उसकी टेस्टिंग के लिए, क्या वो इंटरनेशनली अक्रेडिटेड हैं, क्या उनकी वैलिडेशन हुई है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड हैं. तो ये ज़रूर पेशेंट मालूम करे कि वो जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो रिलायबल और क्वालिटी टेस्टिंग है भी या नहीं. शबीर साहब, आप क्या कहेंगे? रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है. वी लॉस्ट अबाउट 100 पीपल. लोगों को काउंटरफीट मेडिसिन की वजह से इतना एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा है. तो डायग्नोस्टिक्स के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ज़्यादातर देखा नहीं जाता कि सिस्टम्स कौन से हैं, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, क्वैक डॉक्टर्स हैं, रियल डॉक्टर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से या पॉलिसी मेकिंग की तरफ से इस पर कोई अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आपने शुरू में मुझसे फार्मा और डायग्नोस्टिक्स का भी पूछा था. फार्मा इंडस्ट्री इज़ क्वाइट रेगुलेटेड इन पाकिस्तान. ऑल्दो कि जो डिबैकल हुआ, दिस रियली आर हार्ट गोज आउट टू पीपल हु हैव लॉस्ट द लव्ड वंस, लेकिन ये डिबैकल को एक हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे. बट वॉट हैज़ हैपन, वी कैन ओनली लर्न फ्रॉम दैट. हाउएवर, जो आपका सवाल है कि हम डायग्नोस्टिक्स में क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस्टिक्स जो है वो अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास टेबल, कुर्सी एंड अ टेलीफोन है, यू कैन बिकम अ डायग्नोस्टिक्स डीलर. तो इसकी जो बैरियर टू द एंट्री टू एंटर दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी मिनिमल, बहुत लो है. तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट, टू द पॉलिटिशियंस एंड ऑल पीपल इन्वॉल्व के प्लीज़ इसको रेगुलेट किया जाए. कौन सी किस्म की जो डायग्नोस्टिक्स टेस्टिंग आती है वो जो पाकिस्तान में बेचते हैं, क्या वो इंटरनेशनली वैलिडेटेड भी है, ऑथेंटिकेटेड भी है, और जो इदारे हैं जैसे CE मार्क है या FDA अप्रूवल है, क्या ये वहाँ पर ये टेस्टिंग यूज़ होती है या नहीं होती है.
तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट एंड रोश इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दिस कि हम इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करें ताकि इस तरह का कोई खुदा ना खास्ता रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से ऐसा डिबेकल ना हो जिसका जिक्र आपने अभी किया। शबीर साहब, साथ ही साथ अब कुछ एग्जीक्यूटिव चेकअप्स होते हैं या खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन हो कि लोगों को हस्पताल जाके अपने टेस्ट कराने पड़ते हैं, लेकिन होम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स भी हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग ज़ियाबतीस से या डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं उनको तो हर वक्त अपना चेक रखना पड़ता है कि ब्लड में इस वक्त कितनी शुगर है, उसी हिसाब से उन्होंने दवाइयाँ लेनी, उसी हिसाब से उन्होंने खुराक लेनी है। इस हवाले से हमने कितनी प्रोग्रेस की है, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम के पास बेस्ट होम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स अवेलेबल हैं? देखिए, रोश डायग्नोस्टिक्स वाज़ द फर्स्ट कंपनी टू टेक द लीड इनटू दिस सेगमेंट। इसको हम कहते हैं पेशेंट एम्पावरमेंट। हमने ये कहा था कि पेशेंट जो है वो ख़ुद अपना मॉनिटर कर सके, वो डॉक्टर के पास टेस्ट ले जा सके और डॉक्टर जो उसको तजवीज़ करे, क्योंकि डॉक्टर भी उनको, क्योंकि वो इतने अरसे से इन मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो दे ऑल्सो नो कि हाउ टू कैलिब्रेट उनके जो डोजेज ऑफ द मेडिसिन वगैरह होती है। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो उनको पता है कि कैसे मूव कर। तो रोश वाज़ द फर्स्ट कंपनी, वी स्टार्टेड विद डायबिटीज़ केयर, लेकिन वी हैव गॉन ओवर एंड अबव डायबिटीज़ केयर नाउ। अब आपके पास कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग भी अवेलेबल है, तो रोश कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट भी मार्केट करती है एंड वी हैव गॉन वन स्टेप इवन फर्दर अप। आपने ये सुना होगा कि वॉरफेरिन एक दवाई होती है जो खून पतला करने के लिए यूज़ होती है और इसके काफ़ी ख़राब असर होते हैं अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो, अगर मिसमैनेज हो जाए। तो रोश ने एक मीटर इंट्रोड्यूस किया है जो पेशेंट वही अपना प्रिक करके, जिस तरह डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल में अपना टेस्टिंग करते हैं, वो खुद ही अपना टेस्ट घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। एंड अगेन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, आपको शायद ये लगे कि जी ये मैं अगर लैब से करवाऊंगा तो सस्ता होगा टेस्ट, पॉसिबल है ये हो, लेकिन मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको लैब जाना, वेन पंक्चर करवाना, और ये जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनकी वेन्स भी कोलैप्स होती हैं, सही, तो इट गिव्स यू मैनी एडवांटेजेस। अगर आप वैसे इसकी कॉस्ट देखेंगे तो आपको सस्ती पड़ती है रादर देन महंगी पड़ती है। नहीं, और इसके अलावा इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हमारे लाइफस्टाइल को देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे कम यानी जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, जो कमोडिटी है, वो है टाइम। सो व्हेन यू थिंक गोइंग फॉर अ टेस्ट विल बी टीडीएस, आप वक्त निकालें, आप सुबह सुबह फास्टिंग से तो हैं आप 6 घंटे की, right, लेकिन आपके लिए वो हस्पताल जाना या लैब जाना मुश्किल है, सो यू मस्ट हैव योर ओन सिस्टम। लेकिन इसी से एक और बात भी निकलती है शबीर साहब, कि जो लोग अगर किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ से सफ़र करते हैं उनके लिए ये डिज़ीज़ मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन एम्पावरमेंट टूल है। लाइकवाइज, अ लॉट ऑफ पीपल कैन जस्ट बिकम क्रॉनिक क्योंकि वो हर वक्त अपने आप को टेस्ट करके एक मीटर अपने साथ लगाए घूमते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि योर डॉक्टर इज़ द बेस्ट एडवाइज़र आपके लिए कि कब आपको ये टेस्टिंग करनी चाहिए। जी, ये जो बेजा टेस्टिंग होगी और अपने सर के ऊपर ले लेना कि जी मैं तो बीमार हूँ एंड यू नो आई शुड गेट दिस थिंग टेस्ट ऑल द टाइम, देखें कभी भी जो आपके सिस्टम्स होते हैं ना, इतनी जल्दी आपकी शुगर या कोलेस्ट्रॉल या जो भी है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि वो अपने डॉक्टर से पूछें एंड वट एवर डॉक्टर एडवाइजेज दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एब्सोल्युटली, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, स्पेशली आजकल मैं अगर मॉर्निंग शोज़ की तरफ देखूँ और उनकी बात करूँ तो मोटापे पे बहुत बात हो रही है। हर दफ़ा किसी ना किसी तरह का एक एक्सपर्ट बैठा है जो आपको बता रहा है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे शॉक कर सकते हैं, वज़न कैसे कम कर सकते हैं, एंड लिटरली उसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि अक्सर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते नहीं हैं कि आपके सामने जितनी डिशेज़ हैं उसकी कैलोरीज बता सकते हैं कि जी एक पोर्शन अगर खाया तो उसमें इतना होगा। यू कैन नॉट बिकम दैट लिविंग वॉकिंग टॉकिंग बैरोमीटर एंड मीटर नहीं बनना आपने। ज़रूरी ये है कि ठीक है, अपनी चीज़ों को मैनेज करें, उसके बारे में अवेयरनेस हो, लेकिन ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वीड लाइक टू लर्न मोर अबाउट द डायग्नोस्टिक सिस्टम्स दैट आर ऑफर्ड बाय रोश, और साथ ही साथ हमने जानना है शबीर साहब की पर्सनल चॉइसेस के हवाले से भी, किस तरह उनके करियर में ये ग्रोथ पैटर्न उन्होंने लेके आए हैं और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सो स्टे विद अस, वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।